दिक्कतें होती हैं बच्चों को। तो टीन सेट में उसके लिए सारी व्यवस्था, पंखा वगैरह जो लगना चाहिए गर्मी से, गर्मी में तो उसके लिए लगा ही गया रहता है। और एक साथ करीब 600-700 बच्चे बताए गए वहाँ पढ़ते हैं, इतनी संख्या में बच्चे एक साथ जहाँ पढ़े, आपको लगता है व्यवस्थाएं जो पर्याप्त है यहाँ पे? तीन रास्ते हैं निकलने के लिए, एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास तीन रास्ते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे पिछले हफ्ते दिल्ली दुर्घटना होने के बाद आईएएस कोचिंग सेंटर के बाद खान सर के कोचिंग सर के जायजा लिया गया, जिसमें से खान सर से तीखे सवाल किए मीडिया कर्मियों ने। इस तरह से सवाल किए खान सर के कुछ ठीक नहीं लगा और मुझे भी ठीक नहीं लगा बात करने का तरीका। आप ही सुनिए खान सर क्या बोले मीडिया को और किस तरीका से उसे जवाब दिए। हालांकि मीडिया के इस तरह से पूछना सवाल लाजमी है बल्कि लेकिन ठीक नहीं है, उनका बोलने का तरीका अलग था पूछने का। आप सुनिए खान सर क्या उन्हें जवाब देते हैं इस वीडियो में। क्लासरूम और महल में अंतर होता है, महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं जी मीडिया वाले, बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बार दिल्ली। हालांकि मीडिया के तीखे सवाल के बावजूद ने खान सर सहनता से जवाब दिए और अच्छे जवाब दिए। हालांकि मीडिया घुरा फिरा के पूछता रहा इधर उधर से कि ये है वो है, हमें पता है कि खान सर क्या पढ़ाते हैं और खान सर का पूरा दुनिया में नाम है और खान सर का एजुकेशन पूरा दुनिया लेवल में नंबर वन है। इसलिए खान सर का जवाब कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा है अपना राय कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बार दिल्ली में। घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा, आप आने भी तो नहीं देते बाउंसर के साथ आप। हाँ तो आप लोग क्लास आने दीजिएगा क्या?